हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ऑयल पेंटिंग। तो यहां पे हम बनाने वाले हैं ऑयल पेंटिंग विद कैनवास। कैनवास के ऊपर यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे ऑयल पेंटिंग। तो आप देख पाएंगे किस तरह से हम यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाते हैं कैनवास के ऊपर। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे स्किन कलर किस तरह से बनाए जाते हैं और ताकि जो आपकी स्किन है वो रियल लगे। स्किन कलर किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या कलर, कौन कौन से कलर आपको यहाँ पे मिक्स करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो स्किन है वो एकदम रियल लगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें किस तरह से आप कैनवास के ऊपर अपने कलर को लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन से कलर आपको यूज़ करने हैं, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक बिगनर्स हैं और ऑयल पेंटिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऑयल कलर सीखना चाहते हैं, ऑयल पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब बटन के सामने एक घंटी जैसा आइकॉन आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच जाए। इसी तरह की मैं ऑयल पेंटिंग की ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपनी इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और भी अगर आप ऑयल कलर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूं और उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोर्ट्रेट और देखते हैं किस तरह से हम उसको कैनवास के ऊपर कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल रियलिज्म बनाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो चलिए देखते हैं आज की प्रोसेस। तो आज हम यहाँ पे ये वाली पिक्चर बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की बनके तैयार हो चुकी है और इसकी प्रोसेस किस तरह से है पूरी यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कलर ले लिए हैं पैलेट पे और ये है मेरा सेट जो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कलर का। तो यहाँ पे सबसे पहले स्किन कलर बनाने के लिए तो सारी टोन्स आपको बनानी पड़ेंगी, जो भी आपकी रेफरेंस पिक्चर में है वो चीज़ पहले आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहली टोन्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रेंट अम्बर, येलो ओकर, स्क्रेलेट लेक। तो ये सारे कलर आपको आपके आर्टिस्टिक जो भी कैमलिन के कलर आते हैं ऑयल कलर उसमें सारे चीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी कलर हैं आपको आपकी स्किन में देखने को मिलेंगे जो भी शेड्स हैं उनको पहले ही कम्प्लीट तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब चीज़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेंट अम्बर, येलो ओकर, स्क्रेलेट लेक, अल्ट्रामैरिन ब्लू भी यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करेंगे और टाइटेनियम वाइट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी शेड्स बनाने हैं आपको बना लेने हैं। और डार्क के लिए यहाँ पे आपको ब्रंट अम्बर और येलो ओकर यूज़ करना है, उसमें स्क्रेलेट लेक आपको यूज़ कर सकते हैं और अल्ट्रामैरिन ब्लू थोड़ा सा उसको डार्क करने के लिए, और भी बिल्कुल थोड़ा सा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि स्किन हमारी थोड़ी सी ग्लोइस है और ज़्यादा काली नहीं है। तो आप देख सकते हैं उसको उस हिसाब से मिलाएंगे जिस तरह की आपकी स्किन है। तो यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं अपनी पेंटिंग्स में ये कलर जो हमने बनाए हैं। तो जहाँ पे जो भी कलर हमको यूज़ करना है वहाँ पे हम वही कलर देंगे। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि कौन सी जगह कौन सा हमारा कलर वहाँ पर मैच करेगा, उस जगह पर आप वही कलर पुटअप करिए ताकि आपको आसानी रहे आगे को बनाने में। आप जब भी मिक्सिंग करें तो उसको आप अच्छी तरीके से तब समझ पाएँ कि हमारा कौन सा कलर कहाँ पे है। और जो शाइनिंग वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लाइट देनी है वहाँ पे आप टाइटेनियम वाइट यूज़ कर सकते हैं, टाइटेनियम वाइट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जगह के लिए जो भी आपने शेड्स बनाए हैं उनको आप उसी जगह पर लगाइए जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आप गालों के लिए स्क्रेलेट लेक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो रेडिश है वो अपनी बनी रहे, और यहाँ पे क्रिम्सन रेड भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा लेना है आपको ताकि आपके जो गाल हैं वो थोड़े से रेडिश लगें। और जो भी जहाँ भी ज़रूरत है उसको आप पर्टिकुलरली इस तरीके से लगा सकते हैं। और आपको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है उन कलरों की, आपको बिल्कुल साफ़ एक ब्रश लेना है और उसको कलर को मिक्स करना है। आपको यहाँ पर देखना है कि आपको डार्क टू लाइट जाना है,
तो सबसे पहले आप डार्क कलर यूज करेंगे, उसके बाद आप उसमें लाइट की ओर बढ़ते रहेंगे, जहाँ भी लाइट चाहिए आपको उसके बाद आप लाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट के लिए आप टाइटेनियम यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम वाइट। और ये जैसे पूरी प्रोसेस कर ली है मैंने, पूरे चेहरा जो बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो आईज हैं, आईब्रो हैं, उसको हम पहले से हल्की करेंगे, तब से थोड़ी सी जो आपका फोटोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख के बनाएंगे, ताकि आपका जो फोटोग्राफ है मैच करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं, इसके बाद हमको काफ़ी सारी लेयर का यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी रियल बने। तो आपको देखना है, पहली लेयर में आपको बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप जब भी ऑयल पेंटिंग करते हैं तो आपको लेयर बाय लेयर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले जब आपकी पहली लेयर ड्राई हो जाए, उसके बाद आप सेकंड लेयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली लेयर में आपको डार्क कलर यूज़ करने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट कलर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर पे ही कंप्लीट करी है अभी। तो फर्स्ट लेयर आप देखेंगे किस तरह की होने वाली है, और जब हम इसमें सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे तब ये और भी अच्छे तरीके से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम हेयर में यहाँ पे ब्रंट अंबर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो ब्लैक यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे डार्क एरियाज हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक में ब्रंट अंबर मिला लीजिए, उसको ही यूज़ करिए फर्स्ट लेयर के लिए यहाँ पे हेयर बनाने के लिए। और ताकि जब आप उसमें ब्लैक हेयर बनाएं बाद में तो आपको आसान हो और आपके जो हेयर हैं वो एकदम चमकने लगें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करी है, फर्स्ट लेयर है अभी इसमें। अब हम सेकंड लेयर जब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी डार्क कलर की और लाइट कलर की, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये कंप्लीट होके लग रहा है अभी। जो फर्स्ट लेयर है, आप देख के बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, लिखिए ज़रूर आपको कैसी लगी फर्स्ट लेयर। तो अभी आइज़ में काफ़ी काम होना है और हेयर में काफ़ी काम होना है यहाँ पे, और चेहरे में भी काफ़ी शेड्स लगेंगे अभी। तो इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स मैं लेके आता रहूँगा ऑयल कलर से रिलेटेड। तो अगर आपको ऑयल कलर सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक बनाते रहिए, आप भी ऑयल कलर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।